नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। डिहाइड्रेशन जब होता है तब शरीर को उतना पानी नहीं मिलता जितने की उसे जरूरत होती है। इसकी वजह से आपको कई तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन आप नजरअंदाज करते रहते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको महसूस तो होते हैं लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते। जब आपको बार बार प्यास लगती है तो ये माइल्ड डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं। आपका मुंह बार बार सूख जाता है या चिपचिपा रहता है तो ये भी डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको पेशाब नहीं आता और दिन में एक दो बार ही पेशाब करने जाते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। गहरा पीला पेशाब आना भी डिहाइड्रेशन का एक कारण है। ड्राई स्किन होने के पीछे भी डिहाइड्रेशन का कारण हो सकता है। सिरदर्द की समस्या भी डिहाइड्रेशन से हो सकती है। अगर आपकी मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अगर आप खुद को हमेशा थका थका महसूस करते हैं तो इसके पीछे का कारण भी शरीर में पानी की कमी है। जब शरीर में पानी की ज़्यादा कमी हो जाती है तो कुछ लक्षण दिखते हैं, जिसमें ज़्यादा ड्राई स्किन, बहुत शुष्क त्वचा, चक्कर आना, तेज़ धड़कन, तेज़ी से सांस लेना, धंसी हुई आँखें, ऊर्जा की कमी, चिड़चिड़ापन, बेहोशी। इन सब से बचने के लिए आप कितने भी बिजी हों लेकिन कोशिश कीजिए कि बार बार पानी पीते रहें। शरीर को जितनी पानी की आवश्यकता है उतना पानी पिएं। आप फ्रूट्स और फलों के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह लें।